सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी टाइम से रिव्यू वीडियो नहीं देखा होगा आप लोगों ने मेरे चैनल पे, तो आज मैं करने वाला हूँ एक रिव्यू वीडियो, और वो वीडियो होने वाला है कावासाकी के एक बीस्ट का, जो कि अभी मेरे पीछे खड़ा है, निंजा 650। और थैंक्स टू सागर जमनाल भाई अपनी बाइक हमें देने के लिए, मतलब हमेशा के लिए नहीं, बस जस्ट फॉर रिव्यू एंड वीडियोज। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट लुक कुछ ऐसा है इसका, यहाँ पे इसके जो हेडलैम्प्स है वो एकदम शार्प, और सामने से काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक है इसका। और फ्रंट में कावासाकी की तरफ से मिल जाते हैं हमको ड्यूल डिस्क, जो कि आप देख सकते हैं दोनों साइड डिस्प्लेट है इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर ब्रेकिंग आती है इससे। साइड लुक कुछ ऐसा है बाइक का। बाकी ये पीछे इस साइड हो गया एग्जॉस्ट, और अपना जो इंजन है वो 650 सीसी का। एंड गाइस पीछे से इसके टायर की बात करते हो, 160 नंबर इसमें टायर आता है, जो सामने से काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है। बाकी टेल सेक्शन कुछ ऐसा है इसका, और पीछे से जो उसकी टेल लाइट है वो पीछे से काफ़ी अच्छा लुक दिया हुआ है इन लोगों ने, काफ़ी शार्प। और ये इसका लेफ्ट साइड से कुछ ऐसा व्यू है बाइक का पूरा, काफ़ी ज़्यादा शार्प लगती है ये सामने से, और मतलब पूरा एकदम स्पोर्ट्स सेगमेंट किसको नहीं बोल सकते हैं, तो एज अ स्पोर्ट्स टूरर बाइक आती है ये, क्योंकि राइडिंग पोस्चर भी इसका काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो वो सब बातें तो हम बाइक चलाते हुए राइड करते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा है इसका राइडिंग पोस्चर, और मतलब कितना एग्रेसिव है कितना नहीं। मैसिव ये टैंक लगता है मुझे, जो कि अराउंड 15 लीटर का आता है शायद, हाँ ऑलमोस्ट 15 लीटर का आता है। तो यहाँ से एक बार टैंक पर नज़र डालिए कितना बड़ा टैंक लग रहा है, और फिर ये इसके हैंडल बार्स कुछ ऐसे हैं, और अभी जब मैं चलाऊँगा तो आप लोगों को पता लगेगा कि इसका राइडिंग पोस्चर जो है वो ज़्यादा स्पोर्टी नहीं है, बट एज अ कंफर्टेबल भी है, और स्पोर्ट्स टूरर सेगमेंट की बाइक है ये। और एक बार इसका मेटल कंसोल दिखाता हूँ आपको, और मीटर कंसोल को जैसा है पहले कावासाकी की ब्रांडिंग आती है, उसके बाद ये ऐसा कुछ डिस्प्ले है इसमें। बाकी काफ़ी बढ़िया बाइक है, सामने से इतनी ज़्यादा हैवी लग रही है ये। इतनी वीडियोज़ में मतलब इतनी ज़्यादा हमको ऐसा लगता था कि इसका लुक अच्छा नहीं है, बट सामने से क्या लग रही है यार, मतलब मज़ा ही आ गया, नज़रें हट नहीं रही है इससे। और एक बार स्टार्ट करके आपको इसका रेव सुनाता हूँ। मतलब आवाज़ देख रहे हो आप, मतलब कितनी ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि दो सिलेंडर आती है ये, पैरेलल ट्विन सिलेंडर लगे इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आवाज़ है, और चलने में भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है ये। रिफाइनमेंट लेवल बढ़ जाता है जैसे आप, इसमें दो सिलेंडर है तो रिफाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इंजन की। तो अब काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई, और बाकी बातें करेंगे बाइक को चलाते टाइम। तो अब फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आएगी। और यार कावासाकी के इस बीस्ट के लिए एक लाइक तो बनता है बस। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे रोड वोड भी आ गया, अभी ठीक करके देता हूँ। तो चलते गाइस चला के एक्सपीरियंस बताते हैं आपको, और अभी तक मैंने ये नहीं चलाई है, मतलब वहाँ से भी यहाँ तक लोहिया जी चला के लाए हैं इसको, तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, और आप लोगों को एकदम ट्रू रिव्यू देने वाला हूँ मैं कि मेरा पहला एक्सपीरियंस इसको चलाने में कैसा है। तो चलते हैं, बैठते हैं इसमें, चलाते हैं, फील लेते हैं कावासाकी 650 का, कावासाकी रेंजर 650। सो लेट्स गो गाइस। एंड आई वॉज़ वेरी वेरी एक्साइटेड कि भाई मैं कब चलाऊँ इसको, तो चलते हैं और फील लेते हैं इसका। भाई पहले बैठ के फील लेते हैं, मतलब बैठ के जो इसका पोस्चर अभी मुझको फील हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील नहीं हो रहा है, मतलब ये है कि कंफर्टेबल सा है,
तो इसीलिए इसको मतलब एक प्योरली स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक नहीं, एक स्पोर्ट्स टूरर के सेगमेंट में माना जाता है। और सस्पेंशन मुझे ऐसे बैठे बैठे से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये बाइक थोड़ी सी हैवी है क्योंकि अराउंड इसका कर्व वेट 196 kgs के आसपास है और अराउंड 67 या 68 हॉर्स पावर के आसपास ये प्रोड्यूस करती है। तो लेट्स गो गाइस, अब करते हैं स्टार्ट। ड्यूअल सिलेंडर इतनी ज़्यादा स्मूथनेस देता है ना यार, मतलब इंजन ऐसा रेव करने में लग रहा है कि भाई क्या ही ज़्यादा स्पोर्टी आवाज़ आ रही है। और स्ट्रॉन्ग एग्जॉस्ट है भी इसका, तो चलते हैं इसको लेके, लेट्स गो गाइस। और आप लोगों को ही बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। और इसका रोड प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब काफ़ी हैवी लुक है इसका, तो अच्छे खासे रिएक्शन मिल रहे हैं रोड पे, लोग देख रहे हैं भाई कौन सी बाइक जा रही है। और इसके हैंडल बार्स भी देखो आप लोग ऊपर हैं थोड़े से, मतलब जो स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक्स होती है वो यूजुअली ऐसे नीचे होती है, बट ये ऊपर है इसीलिए कम्फर्टेबल भी है और आप लोग लॉन्ग राइड पर भी लेके जा सकते हो उसको। और भाई स्मूथनेस तो मतलब ओहो, पिकअप भी फील हो रहा है, अभी मैं थर्ड गियर पर हूँ। और मीटर कंसोल तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आएगा इसका, बहुत ज़्यादा प्यारा, मतलब मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इसका मीटर कंसोल। और शायद 6R और 10R पे भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही मीटर कंसोल हमको देखने को मिल जाता है। और सामने से मतलब यहाँ से जो मैंने ग्रिप करा हुआ है ना इसको अपने पैरों से, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है यहाँ से। और टैंक इसका मैंने शायद आप लोगों को बता दिया कि अराउंड 15 लीटर्स का टैंक आता है, तब एक 650 cc की बाइक लिए काफ़ी ज़्यादा होता है यार, 30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। अगर ये रियल में 30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकालती है तो यार मतलब हैट्स ऑफ टू दिस मशीन, कि मतलब 650 cc के बाद और पावर डिलीवरी भी मुझे इसमें अच्छी खासी लग रही है, जबकि अभी मैं इसे इतना खींच नहीं रहा हूँ, नॉर्मली चल रहा हूँ। और भाई एवरेज देख के तो मैं भी हैरान हो गया था कि इतना एवरेज कैसे निकाल रही है ये बाइक, तो ऑल तो बढ़िया है, जितना एवरेज अच्छा हो उतना बढ़िया है। और भाई फील तो हो रहा है, पुश तो दे रही है, जो इसका 67 हॉर्स पावर जो इंडियन प्रोड्यूस कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील दे रही है मुझे, मतलब एक पुश दे रही है ऐसे, जब मैं इसको रैप कर रहा हूँ तो पीछे को फेंक रही है, जबकि ये 5वें गियर पर है अभी, तो इसको खींच के भी देखेंगे, बट पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा कुछ किलोमीटर चला लेते हैं इसको। बट क्या गाड़ी है यार, मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ अभी चला के इसको। और ये बाइक अराउंड 7-8 lakh रुपीज़ के आसपास पड़ती है। काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आता है, वो लोग सोचते हैं कि निंजा है तो मतलब वो इनलाइन 4 वाली आवाज़ आएगी। तो गाइज मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ कि ये ड्यूअल सिलेंडर है और पैरेलल ट्विन सिलेंडर लगे हुए इसमें, तो वो इनलाइन 4 वाली जो स्वीट मतलब जो कानों को एकदम अच्छी लगती है आवाज़, वो वाली आवाज़ नहीं देने वाली है, क्योंकि भाई 2 सिलेंडर है, वो भी पैरेलल ट्विन सिलेंडर है, ऊपर से स्टॉक एग्जॉस्ट लगाए तो वैसे ही कम आवाज़ आती स्टॉक में। बट अपनी अपनी पसंद है लोगों की, काफ़ी लोग लेते हैं ये भी। और यार मैं पहली बार चला रहा हूँ इसको, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है चलाने में, और हल्का सा फर्स्ट गियर पे ले आया हूँ इसको। ओ अच्छा पुश दे रही है बॉस। एंड गाइस, अगर चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट से सब्सक्राइब करो। अब तो सुपर बाइक्स भी लेके आ रहा है तुम्हारा भाई चैनल पे, एंड आई होप कि आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि सुपर बाइक्स चैनल पे और आए, मैं रिव्यू बनाऊँ, आप लोगों को वीडियोस दिखाऊँ सुपर बाइक्स का। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर देना वीडियो पसंद आ रही है तो, और वीडियो कर देना लाइक। और कमेंट नहीं करते हो आप लोग, फटाफट से कमेंट करो यार, निंजा 650 के लिए कमेंट तो बनता है बॉस, और लाइक तो बनता ही बनता है, तो फटाफट से लाइक एंड कमेंट कर दो कि भाई कैसी लग रही है बाइक आप लोगों को और आप लोग कैसी वीडियो चाहते हैं इससे, तो फटाफट से कर दो वीडियो को लाइक। चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो कर देना सब्सक्राइब। चलते हैं फिलहाल इसको और इसको टेस्ट करते हैं भाई क्या है निंजा 650 का सीन। और ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे उसकी, क्योंकि जो सामने का इसका व्हील है उसमें ड्यूअल डिस्क लगे हुए हैं, मतलब राइट साइड में डिस्प्लेट लगी हुई है, लेफ्ट साइड में डिस्प्लेट लगी हुई है ऐसे फ्रंट व्हील में, तो ब्रेकिंग तो ऑब्वियसली अच्छी आनी है। और भाई खींचने में हल्का सा टायर भी पुश हो जा रहा है, मतलब टायर उठ जा रहा है जब मैं फर्स्ट गियर पे से ऊपर खींच रहा हूँ, तो भाई पावर तो है।
बट मैंने इससे पहले वही ड्यूक 390 और आरसी 390 एक्सपीरियंस करा है, तो उससे तो पावर मुझे लग रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो अच्छी बाइक लग रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ से लेते हैं अब लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे रोड रहता थोड़ा सा खाली, तो इसे खींच के देखते हैं कि भाई क्या सीन है निंजा 650 का, क्या कैसे भाग रही है, कितना पुश दे रही है। तो गाइस यहाँ पे ड्यूक में कुछ चेक कर रहे हैं अपने भाई लोग, और हम लोग चलते हैं इसको लेके थोड़ा सा आगे। टाइम आ चुका है इसको थोड़ा सा खींचने का, तो चलो खींचते हैं। पहले भाई आगे पीछे देख लेते हैं कि रोड अपनी सेफ है नहीं है, पूरी खाली है नहीं है। सो गाइस आर यू रेडी? फर्स्ट गियर पे ले आए हैं बाइक को, तो चलो खींचते हैं। फर्स्ट गियर पे 74, सेकंड पे 104, 134। आराम से भाई, भाग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रही है यार, मतलब अच्छा भाग रही है, अच्छा पुश कर रही है। अब यार स्पोर्ट्स बाइक और ये सुपर बाइक चलाने का जो फ़न है ना, मतलब वो तो एक बाइक लवर को ही पता है कि भाई क्या फीलिंग रहती है सुपर बाइक्स और ये बाइक्स को देख के और इनको लेके। मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच रहते हैं, जैसे कि मैं भी बाइक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा अटैच हूँ। मतलब भाई बाइक के बिना तो ऐसा लगता है कि लाइफ कुछ भी नहीं है। अगर बाइक नहीं होगी लाइफ में तो भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा खाली खाली लाइफ लगेगी। तो हम लोगों के लिए बाइक की इंपॉर्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। और गाइज आप लोगों को भी बाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और आप लोग के पास भी कोई सी बाइक है और आप लोग उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं इमोशनली भी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि यार एक बाइकर जो होता है वो अपनी बाइक्स को कितना ज़्यादा पसंद करता है वो तो बस उसी को पता रहता है। बाकी लोगों के लिए तो वो मशीन होती है, जस्ट अ मशीन, बट उसके लिए तो भाई वो फीलिंग होती है, फीलिंग्स होती है। वेट थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं बाइक का, क्योंकि 197 केजी की है ये बाइक। और देख रहे हो भाई रिएक्शन, मतलब लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं भाई क्या है ये, क्या क्या रौला जा रहा है। अगर इसके हैंडल्स यहाँ पे होते या कुछ ऐसा तो काफ़ी स्पोर्टी पोस्चर बन जाता, बट जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि ऐसे पूरी मतलब स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक नहीं है, स्पोर्ट्स टूरर सेगमेंट की बाइक है। तो इसको आप लोग अगर लॉन्ग राइड पे लेके जाओगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा दर्द नहीं होने वाला है हाथ पैरों में, क्योंकि यार स्पोर्ट्स बाइक को कहीं दूर राइड पे ले आना तो मतलब हाथों में दर्द और अपने शोल्डर्स पे तो काफ़ी ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील देने वाली है आप लोगों को पूरे टूर पे। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक लेने का और अराउंड इतना ही बजट है आपका 7-8 लाख का, तो आप निंजा 650 पे ज़रूर पुश कर सकते हैं। और एवरेज भी अच्छा खासा है, कंपनी क्लेम करी 30 किलोमीटर पर लीटर का, तो यार मतलब क्या कहने, 30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज तो काफ़ी ज़्यादा है 650 cc के अकॉर्डिंग। भाई ब्रेकिंग तो मतलब इतनी ज़बरदस्त ब्रेकिंग है यार इसकी, फ्रंट ब्रेक मार के तो एकदम बाइक चिपक जा रही है रोड से और ऐसा रोक रहा है बाइक को। यही फायदा है यार, क्योंकि फ्रंट वाले व्हील में 2 डिस्प्लेट लगी है, तो ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इसकी, मतलब ब्रेक मारते हैं बाइक को ऐसा रोक रही है। और काफ़ी लोगों को इसका लुक पसंद नहीं आता है, बट अगर आप लोगों ने इसे सामने से नहीं देखा है और आप लोगों ने फ़ोटो पे ही देखा है इसको या वीडियोस पे देखा है और आप लोगों ने इसको जज कर लिया है, तो मेरे हिसाब से तो वो सही नहीं रहेगा। क्योंकि एक बार आप लोग अगर इसको सामने से देखेंगे तो गाइज रियली सामने से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है ये। तो एक बार फिर से उतर के चारों तरफ से इसको दिखाता हूँ आप लोगों को, इसका लुक दिखाता हूँ आप लोगों को फ्रंट से, बैक से, साइड से, तो आप लोग बताना कमेंट करके कि भाई लुक भी कैसा लग रहा है बाइक का। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों को शेयर करा है, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था जो मैंने बाइक चलाई है 650, और काफ़ी ज़्यादा फन, काफ़ी ज़्यादा पावर फील हुई है मुझे। ये रहा इसका फ्रंट से लुक, बहुत सेक्सी एकदम। ये रहे इसकी साइड प्रोफाइल, और भाई साइड से तो इतनी हैवी लग रही है ना ये। और ये अपने चारों तरफ से देख लो आप लोग, ये इसका बैक का सेक्शन है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो और भी इससे एक आध वीडियो शूट करते हैं अभी, और वो आगे आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो गाइस ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट में मुझे बताना कि भाई निंजा 650 कैसी लगी है, कावासाकी का बीस्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।
अब मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।